अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजहाँ। मैं लेकर आई हूँ आज आपके लिए बहुत टेस्टी मज़ेदार सैंडविच की रेसिपी। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी चीज़ी चिकन एग सैंडविच की रेसिपी, जो बहुत मज़ेदार टेस्टी और यमी तैयार होती है। आप ये सैंडविच बच्चों को ब्रेकफास्ट लंच में भी बनाकर दे सकते हैं और बच्चों को ये लंच बहुत पसंद आएगा, क्योंकि बच्चे ये चीज़ी चिकन एग सैंडविच बहुत शौक से खाते हैं। आप अपने बच्चों को बनाकर दीजिएगा, आपके बच्चों को ये सैंडविच बहुत पसंद आएंगे। इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ शाहजहाँ। मैं आपको शाहजहाँ सिस्टर किचन कॉर्नर यूट्यूब चैनल पर वेलकम कहती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे तमाम व्यूअर्स खैरियत से होंगे। आज भी अपने किचन में बनाने जा रही बहुत मज़ेदार टेस्टी चिकन एग सैंडविच की रेसिपी, जो बहुत मज़े की और बहुत टेस्टी तैयार होती हैं। चलिए मैं आपको बताऊंगी चिकन एग सैंडविच तैयार करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। चैटर चीज़ लिए मैंने हस्बे ज़रूरत, मोज़रेला चीज़ लिए मैंने हस्बे ज़रूरत, 4 मैंने ब्रेड के स्लाइस लिए हैं, 1/2 टी स्पून में लाल मिर्च लिए पिसी हुई, 1 टी स्पून में लाल कुटी मिर्च ली है, 1/2 टी स्पून मैंने नमक लिया है, 1/2 टी स्पून में धनिया पाउडर लिया है, 1/2 टी स्पून मैंने ज़ीरा पाउडर लिया है, शिमला मिर्च ली है मैंने गोल स्लाइस में कटी हुई, अंडा लिया है मैंने बॉइल हुआ हुआ गोल स्लाइस में कटा हुआ, 1/2 टी स्पून मैंने पेपरिका पाउडर लिया है, हस्बे ज़रूरत मैंने येलो कलर लिया है, 1 टी स्पून मैंने वाइट सिरका लिया है, 1 टी स्पून मैंने सोया सॉस लिया है, 4 टी स्पून मैंने चिली गार्लिक सॉस लिया है, 100 ग्राम मैंने चिकन लिया बोनलेस छोटे क्यूब्स में कटा हुआ, 1 प्याली मैंने मायोनीज लिया है, 2 टी स्पून मैंने दही लिया। चिकन एग सैंडविच बनाना स्टार्ट करते हैं। लहर मान रही हूँ, सबसे पहले चिकन को मैरिनेशन कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वाइट सिरका शामिल करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सोया सॉस शामिल कर लेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लाल पिसी मिर्च शामिल कर लेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लाल कुटी मिर्च शामिल कर देंगे, इसमें लहर मान रही धनिया पाउडर शामिल कर देंगे, इसमें लहर मान रही नमक शामिल कर देंगे, इसमें लहर मान रही ज़ीरा पाउडर शामिल कर देंगे, इसमें लहर मान रही पेपरिका पाउडर शामिल कर देंगे, इसमें लहर मान रही पीला कलर शामिल कर लेंगे। अगर आपके पास पीला कलर नहीं है तो आप हल्दी भी शामिल कर सकती हैं एक चुटकी इसके अंदर, इसमें लहर मान रही दही शामिल कर देंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छे से, ये बहुत मज़े के और बहुत टेस्टी बनते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इससे आपको मेरी न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आप मेरी रेसिपीज़ को ज़्यादा लाइक और शेयर किया कीजिए ताकि मेरी ये रेसिपीज़ और लोगों तक भी पहुँच सके। आप बच्चों को ब्रेकफास्ट में भी बनाकर दे सकते हैं, ये चिकन एग सैंडविच बहुत मज़े के और बहुत टेस्टी बनते हैं, बच्चों को बहुत पसंद होते हैं और बहुत पसंद आएंगे। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा ताकि आप अगर ये रेसिपी बनाए तो आपकी रेसिपी परफेक्ट तैयार हो। हाँ, मैं इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख दूँगी। लहर मारने में ऑयल डाल लेंगे, वन टीस्पून मैंने ऑयल शामिल किया, 10 मिनट के लिए रखा था मैंने रेस्ट के लिए, 10 मिनट हो गए हैं, अब इसको कुक करेंगे। ऑयल गर्म हो गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चिकन शामिल कर देंगे,
इसे 7 से 8 मिनट लगेंगे कुक होने में गोश्त को, चिकन को। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके सभी घर वालों को पसंद आएंगे। ये सैंडविच बहुत मज़े के बनती हैं, चीज़ी सैंडविच खाना बच्चे बहुत पसंद करते हैं, इसमें चीज़ भी शामिल है। और अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे तंग करते हैं, ब्रेकफास्ट नहीं करते, तो आप ब्रेकफास्ट में भी बनाएं, इसे बच्चों को बना कर दे, बच्चे बहुत शौक से खाएं। चिकन कुक हो गया, अब मैं इसे ठंडा होने के लिए रख दूंगी। चिकन ठंडा हो गया, अब इसके चिकन एग चीज़ी सैंडविच तैयार कर, इसमें लहर मार रही है, चिकन एग चीज़ी सैंडविच तैयार कर लेंगे, मायोनीज अप्लाई कर लेंगे ब्रेड पे। ये अच्छे से अप्लाई कर लिया ब्रेड पे। अब दूसरे स्लाइस पे हम चिली गार्लिक सॉस, इसमें लहर मार रही है, चिली गार्लिक सॉस अप्लाई कर लेंगे ब्रेड पे। चिली गार्लिक सॉस भी हमने अच्छे से अप्लाई कर लिया ब्रेड पे। इसमें लहर मारे चिकन रख लेंगे। बहुत ही अच्छे से हमने अप्लाई कर लिया, इसमें लहर मारनी, अब बॉयल हुआ अंडा लगा देंगे। इसमें लहर मान रही मोज़रेला चीज स्प्रिंकल कर लेंगे। चीज़ अपने टेस्ट के मुताबिक ज़्यादा या कम शामिल कर सकते हैं, हमने अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल किया है। चैटर चीज़ शामिल कर लेंगे, जैसे हमने चैटर चीज़ और मोज़रेला चीज़ भी डाल दिया। अब मैं इसके ऊपर स्लाइस रखूँगी, हल्का सा प्रेस कर लेंगे। अब बटर अप्लाई कर लेंगे, बटर भी मैंने अच्छे से अप्लाई कर दिया, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अब मोज़रेला चीज़ शामिल करेंगे, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चैटर चीज़ स्प्रिंकल कर लेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शिमला मिर्च लगा लेंगे, अंडे का स्लाइस रख लेंगे। लाल कुटी मिर्च का स्प्रिंकल कर लेंगे, थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ और चैटर चीज़ अंडे पे स्प्रिंकल कर लेंगे। इसी तरह मैं सारे सैंडविच तैयार कर लूँगी। चिकन एग चीज़ी सैंडविच तैयार है। अगर आप इसे ओवन में बेक करना चाहते हैं तो ओवन में 2 से 3 मिनट बेक करेंगे आप इसे। अगर आप इसे विदाउट ओवन बेक करना चाहते हैं, अगर आपके पास ओवन की सहूलत नहीं है, तो आप इसे चूल्हे पे 5 मिनट के लिए बेक कर सकते हैं लो फ्लेम पे। अब मैं इसे ओवन में बेक करूँगी। मैंने इसे ओवन में 2 से 3 मिनट के लिए बेक किया है। ये चिकन एग चीज़ी सैंडविच तैयार हो गया। अब मैं इसे डिश आउट करूँ। देखिए चिकन एग चीज़ी सैंडविच कितने ज़बरदस्त तैयार हुए हैं, ये बहुत मज़े का बहुत टेस्टी बनते हैं। आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चिकन एग चीज़ी सैंडविच तैयार है। अगर आपको चिकन एग चीज़ी सैंडविच की रेसिपी पसंद आई है तो इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चिकन एग चीज़ी सैंडविच की रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इससे आपको मेरी न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सकेगा। अब इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।